प्रदर्शन करेंगे जब तक हम लोग को सरकारी सेवा घोषित नहीं करेंगे, जब तक हम लाठी से उनका नहीं डरने वाले। सरकार हम लोग को स्थायी कर्मचारी का दर्जा देगा और मानदेय देगा। नीतीश कुमार को अवार्ड मिलता और जो रोड पर आशा थी जो मर गई आशा उसको कोई अवार्ड नहीं मिला। नहीं देता है, इलेक्शन में हम लोग को ड्यूटी दिया जाता है सब, उसमें भी हम लोग को पैसा नहीं मिलता है एक पैसा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DTW 24 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ दिव्या पांडे। इस वक्त हम मौजूद है पटना के गर्दनी बाग में जहाँ धरना प्रदर्शन आज जो है बिहार राज्य संघ आशा के लोग यहाँ पे धरना पे हैं। अनिश्चितकालीन ये लोग धरना 10 सूत्री मांगों को लेकर ये यहाँ पे धरना। अब इनसे ही बात करेंगे कि कहाँ से आई हैं और किस लिए आई हैं और इनकी मांगे क्या क्या है। कहाँ से आई हैं? मैं तो पटना जिला की ही हूँ और हम लोग को सरकार से यही मांग है कि हम लोग को सरकारी सेवा घोषित करे और 25,000 रुपया मानदेय दे। अभी आप लोग कितना मिलता है? हम लोग को अभी प्रोत्साहन राशि मिलता है, अगर 1,000 स्टेट अमाउंट भी मिलता है जिसमें है कि पारितोषित करके मिलता है, वो भी 4 कार रहेगा तो मिलेगा अन्यथा नहीं मिलेगा। और आप लोग को क्या क्या मांगे हैं? और हम लोग को मांग यही है कि जो सेवानिवृत्ति में 60 साल सरकार की है वो 65 साल किया जाए और जो आशा हमारी जो लड़ाई में उसको हटा दिया गया वो पुनः बहाली किया जाए, उसको पुनः उसके कार्य पे लाया जाए। आंदोलन आप लोग कर रहे हैं? हम लोग पिछले साल जुलाई में आंदोलन किए थे, उस समय अभी लाठीचार्ज भी चली थी और उस समय ही एथी हुआ है, हटाया गया है। तो लाठीचार्ज चला हुआ था तो फिर भी आप लोग आज प्रदर्शन? हाँ, हम लोग प्रदर्शन करेंगे जब तक हम लोग को सरकारी सेवा घोषित नहीं करेंगे, जब तक हम लाठी उनका नहीं डरने वाले और हटा भी देंगे ना तब भी नहीं हम लोग डर, फिर भी हम लोग लड़ेंगे उन अपने हक के लिए। क्या कहाँ से? सब कोई लड़ते हैं, हम लोग बिहार शरीफ से आए हैं। बिहार शरीफ से पटना के गर्दनी बाग में आई है, क्यों? क्यों आए हैं? अपना मांग करने के लिए, लड़ने के लिए आए हैं सरकार से। सरकार से लड़ पाई? हटा रहा है, फ्री में हम लोग काम कर रहे हैं। सरकार से लड़ पाई? 18 साल से सरकार से लड़ पाइएगा? नहीं पाएंगे, लड़ेंगे लड़ेंगे नहीं तो ऐसे आ गए हैं। उनको जो शक्ति लगाना है लगा ले। कोरोना में हम लोग सब लोग घर में बैठे थे और हम लोग रोड पे थे, मेरा क्या बाल बच्चा हम लोग को नहीं था, लेकिन कोविड में भी काम किए उसमें भी नहीं मिला। अवार्ड किसको मिलता है? तो प्रभारी को मिलता है, नीतीश कुमार को अवार्ड मिलता है और जो रोड पर आशा थी जो मर गई आशा उसको कोई अवार्ड नहीं मिला। काम करने के लिए आशा के तुरंत खोजे लगती है क्षेत्र में जा करके, आशा कहाँ गया? 5 रुपया नहीं वेतन हम लोग का मिल रहा है। कितना दिन से नहीं मिला है? कितना दिन से जितना दिन से काम कर रहे हैं उतना दिन से हम लोग ऐसे ही फ्री में खट रहे हैं। कमाल पैसा भी हम लोग का काम जितना करते हैं वो भी नहीं मिलता, भी नहीं मिलता। विश्वास पर काम कर रहे हैं कि सरकार हम लोग को स्थायी कर्मचारी का दर्जा देगा और मानदेय देगा, इसलिए हम बस आस नहीं छोड़ रहे हैं। सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी मांगों को पूरी करे, हमारे दर्द को समझे, क्योंकि हम 24 घंटा दिन रात में माने रात भी में भी अगर कॉल आता है तो जाना पड़ता है, दिन में भी कॉल आता है तो जाना पड़ता है, या हर काम के लिए कोई अगर NGO के तरफ से हो तो आशे को पकड़ता है, सरकार के भी काम होता है तो आशे को पकड़ता है। बताइए तो हम लोग तो इतना खटते हैं, 2 रुपया 4 रुपया 10 रुपया 100, इससे क्या होना जाना है? तो आप लोग को पता है कि पिछले साल भी आप लोग किए थे यहाँ पे धरना लगाए थे, आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन करने के बावजूद भी आप लोग का निष्कर्ष नहीं निकल रहा, तो फिर ये आज आप लोग फिर से अनिश्चितकालीन धरना क्या दिए? हम लोग को क्या लग रहा हम है लोग के साथ छल जिस समय तेजस्वी सरकार और नीतीश कुमार थे तो हम लोग के लेटर रख लिए हैं, बोले हैं कि इस पर मोहर लगाएंगे, तुम लोग के मानदेय का सुनवाई हो गया है, लेकिन सरकार हम लोग के साथ धोखा किया है। सबके कैबिनेट में सबका सारी जितना भी कर्मचारी था उन लोग के मोहर लग गया है, लेकिन आशा के पेपर पर मोहर नहीं लगा। NHM के तहत कॉन्ट्रेक्चुअल NM भी है, NM को परमानेंट कर दिया जा रहा है, आशा पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जबकि स्वास्थ्य विभाग में सबसे रीढ़ की हड्डी कहा जाता है आशा को, लेकिन आशा पर सरकार को कोई ध्यान नहीं है। हम लोग पैसा एक पैसा नहीं देते हैं, इलेक्शन में हम लोग को ड्यूटी दिया जाता है सब, उसमें भी हम लोग को पैसा नहीं मिलता है एक पैसा। बहाली किया तो हॉस्पिटल ने वो कौवा कुत्ता नहीं रहता था, जब आशा के बहाली किया तो वही हॉस्पिटल चमक गया, तो हम लोग के कीचर ने गोर नवा के हम लोग के रोड पर ला के धुतकार दिया गया है, हम लोग के कुछ नहीं करा था, हम लोग उसको नहीं करेंगे। आप लोग को कब से वेतन अभी नहीं मिला? हम लोग का वेतन कहाँ मिला? हमको एक अभी चालू हम लोग का वेतन नहीं हुआ है।
अच्छा, हम लोग तो कमीशन पर काम कर रहे हैं। कमीशन पे काम करे तक फिर भी अभी तक कुछ कमीशन पे भी नहीं। अरे वही मिलता है ऐसे तनी मनी, यार कुछ मिलता है तनी मनी? कितना मिलता है फिर भी? क्या बोले, हर काम का कमीशन में हर काम का अलग अलग पैसा है, एक तरह नहीं है। मान लीजिए कि अगर हम टीटी दिलवाए गर्भवती महिला को तो 100 रुपया दिया जाता। अब बताइए कि टीटी में 100 मात्र क्या है, भीख है, भीख भी नहीं लेता है 5 रुपया, हम लोग को 100 रुपया दिया जाता है। अभी नई सरकार बनी है तो क्या पता आप लोगों का मिले, मांग पूरी हो? मांग हम लोग मांग के लिए ही नहीं आए हैं, अब पूरी करेंगे या नहीं करेंगे वो तो। ये आप लोग का धरना कब तक रहेगा? ये तो अभी जारी रहेगा, जारी रहेगा। हाँ, इसके लिए हटना नहीं है हम लोग को, भूख हड़ताल। हाँ, भूख हड़ताल, इसलिए कि हम लोग ऐसे भी तो भूखल मरिए रहे हैं, तब भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, ऐसे भी हम लोग को थोड़े पेट भर रहा। अब बताइए सरकार का पेट, इन लोग का भी 5 साल के मतलब कार्यकाल रहता है, मुख्यमंत्री जो भी ये प्रतिनिधि लोग हैं तो उन लोग को 5 साल में हटने का अधिकार है, और उन लोग का फिर भी पैसा बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। हम लोग को बहाली कर दिया गया 60 साल के लिए, 60 साल के लिए, अब फिर भी हम लोग को पैसा नहीं, आखिर क्यों ऐसा क्यों नीति है? इसलिए नीतीश जी अगर सुन रहे होंगे या सुनेंगे तो सबसे पहले सुन ले कि अगर आशा को रखना है, आशा से काम लेना है तो उनको 25,000 देना होगा, और नहीं तो इस बार उनका गद्दी नहीं रहेगा, हर हाल में गद्दी से हटना ही हटना होगा। देखिए यहाँ पे जो है लगातार यहाँ पे लोग पिछले अगले साल भी ये लोग धरना बंदी हुई थी, कमीशन पे इन लोगों को रखा गया था, लेकिन इन लोगों का कहना है कि इस तरह से हम लोग कब तक काम करते रहेंगे, इस तरह ही भूखे मर रहे हैं, तो हम लोग भूख हड़ताल पे अपनी प्रदर्शन करेंगे, और यही पे हो सके तो हम लोग अपना लगातार अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल हम लोग धरना प्रदर्शन लगाए रखेंगे जब तक हम लोगों की मांगें पूरी नहीं कर देती है। नहीं तो नीतीश कुमार को कुर्सी से उतारने में भी हम लोगों को ज़्यादा समय नहीं लगेगा, अगर हम लोगों की मांग पूरी नहीं करती है सरकार। तो इसी तरह लगातार हम लोग यहाँ पे धरना जारी रखेंगे। आप लोग क्या सोचते हैं, मैं साझा कीजिएगा। आप लोग देख रहे थे DTW 24 न्यूज़। धन्यवाद।